अफगानिस्तान का फॉरेक्स प्राइसेस और बढ़ा, जापान की करेंसी डाउन होने से इकोनॉमी में आई दिक्कत, और वह इसराइल की जीडीपी ग्रोथ हो गई है नेगेटिव, ईरान के ऑयल प्रोडक्शन पर भी असर की संभावना है, सोने में 5% तेजी तो चांदी में 7% तेजी की संभावना है। देखिए, एक तरफ जहां इसराइल की जीडीपी ग्रोथ डाउन है, नेगेटिव है, ईरान के ऑयल प्रोडक्शन पर इसका असर होने की भी संभावना है, सोने में 5% तेजी तो वही चांदी में भी 7% तेजी की संभावना है। और हमारे साथ में अर्थशास्त्री आकाश जी इस वक्त हैं। आकाश जी, अफगानिस्तान का चाहे फॉरेक्स की ही क्यों ना बात हो, क्योंकि उस पर भी हम देख रहे हैं कि फॉरेक्स प्राइसेस बढ़ गए हैं, और या फिर जापान की करेंसी के डाउन होने का असर हो, मार्केट पर इसके क्या असर का आकलन है आपका? पूजा जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। आकलन ये है, ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं। पहले रशिया यूक्रेन वॉर, अब इसराइल का इशू जिस तरीके से इंटेंसिफाई होता जा रहा है, ठीक है, जियो पोलिटिकल एंगल से इसके अलग मतलब हो सकते हैं, कौन सही है कौन गलत है एक अलग चीज है, बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश अंदर डॉटन का मानना है कि इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पे दिक्कतें बढ़ती जा रही है, ग्लोबल इकोनॉमी की दिक्कतें बढ़ रही है, इसलिए अफगानिस्तान के हालात सही नहीं है, पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है इकोनॉमी के एंगल से, और भी कई कंट्रीज है जो इकोनॉमी के एंगल से सही नहीं चल रही है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी की रिकवरी का एक एक मैं कहूंगा एक हमें रीजन दिखा था या एक हमें एक रीजन मिला था जब सितंबर में यूएस ने रेट कट किया था 50 बेसिस पॉइंट का, लग रहा था कि हाँ ग्लोबल इकोनॉमी शायद स्लोडाउन से बाहर आ जाए, बट इतने में क्या हुआ, कुछ दिनों में हम देखते हैं इसराइल का इशू इंटेंसिफाई हो जाता है और अब भी वो डाइल्यूट नहीं हो रहा, रशिया यूक्रेन वॉर अपनी जगह चल रही है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी में दिक्कतें चल रही है, बट अच्छी बात यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग चल रही है, दिवाली की अच्छी सेल्स हो रही है, दिवाली के प्री बुकिंग ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं, इससे दिख रहा है ये मंथ जीएसटी कलेक्शन भी अच्छी होने की संभावना है, और जीडीपी ग्रोथ भी इस क्वार्टर का अक्टूबर टू दिसंबर इस क्वार्टर में हम हैं काफी अच्छा आने की संभावना है, तो ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन है बट हिंदुस्तान की इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ आने के आसार क्लियरली दिख रहे हैं। आकाश जी बहुत ही शुक्रिया आपका। जी आकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। देखिए आकाश जी का ये अपना आकलन है कि भारत काफ़ी बेहतर स्थिति में है, और बड़ी बात है कि ग्लोबली अगर हम देखें, ग्लोबली भले ही प्रॉब्लम हो लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है वो सस्टेन कर रही है।